और ये पूरा कटवर्क है, पूरा हाथ से काट के इसको हमने पूरा लकड़ी को काटा है और हाथ से बनाया है। इसको बनाने में हमारा 45 टू 50 डेज जाता है एक सोफा बनाने में। ये तीन सोफों के बराबर है, पूरा जड़ है पूरा। हाय हेलो नमस्कार मंडळी, सो पुनः एकदा मी तुमच्यासाठी शॉपिंग रिलेटेड व्हिडिओ घेऊन आलेली आहे। सो यावेळेस जो व्हिडिओ आहे तो फर्निचर रिलेटेड आहे, होम डेकोर आणि फर्निचर। सो आज आपण आलेलो आहोत कॅम्पमध्ये, 1986 पासून यांचं शॉप आहे इथे अनस हँडीक्राफ्टला। आज आपण जाणार आहोत, हे बाबासाहेब आंबेडकरांचा पुतळा आहे आणि त्याच्या अगदी बाजूला त्यांचं स्टोअर आहे अनस हँडीक्राफ्ट म्हणून। समोर तुम्ही त्यांचा बोर्डसुद्धा बघू शकता आहे। ह्यांच्याकडे खूप छान छान व्हरायटी असते आणि याचा अगोदरही आपण व्हिडिओ केलेला आहे। सो यावेळेस काहीतरी नवीन कलेक्शन आणि छान दाखवण्याचा मी तुम्हाला प्रयत्न करेन। चला तर मग आतमध्ये जाऊन बघूया काय काय कलेक्शन आलेलं आहे नवीन। हॅलो, सो तुम्ही खूप सारे सोफा कम बेड बघितले असतील, पण असा कधी सोफा कम बेड बघितला आहे का ज्याच्यासाठी नॅशनल अवॉर्ड मिळालेला आहे? येस, तुम्ही बरोबर ऐकलं। सो मी आज तुम्हाला दाखवणार आहे असा युनिक सोफा ज्याच्यासाठी नॅशनल अवॉर्ड मिळालेला आहे आणि त्याने सोशल मीडियावर धूम केलेली आहे। एकदम असा युनिक सोफा आपण आज बघणार आहोत। सो चला तर मग टायगर बाय अनस यांच्याकडे, तुम्ही त्यांच्या शोरूममध्ये एंटर केल्याबरोबर तुम्हाला कळेल की किती फॅब्युलस असं कलेक्शन ह्यांच्याकडे अवेलेबल आहे। सो मी तुम्हाला आता तो सोफा कम बेड दाखवणार ज्याच्यासाठी मी स्पेशल व्हिडिओ काढण्यासाठी तो इथे आलेली आहे आज, फक्त त्या एक सोफा कम बेडसाठी आणि त्याला नॅशनल अवॉर्ड। कॅन यू इमॅजिन, एखाद्या सोफा कम बेडसाठी पण नॅशनल अवॉर्ड मिळू शकतं? येस। सो आपण आता तो बघूया की त्याच्यामध्ये। सो मी खूप एक्साइटेड आहे एवढा अवॉर्ड विनिंग सोफा बघण्यासाठी की त्याच्यामध्ये असं काय स्पेशल आहे सर की त्याला इतके अवॉर्ड्स मिळाले आहेत। सब बताऊंगा इसी व्हिडिओ में, बताऊंगा 4 मिनिट के अंदर, बहुत एंगेजिंग व्हिडिओ है, सब देखिए। सबसे पहले तो आपने ये बताइए, मुझे वीडियो पे बोल रहा हूँ, पूछ रहा हूँ आपसे, आपने सोफा कम बेड कभी देखा? आपको सोफा कम बेड लग रहा है क्या, पहले ये बताइए। नहीं, पहली बात तो प्यारी बात इसमें ये है कि ये सोफा कम बेड लगता ही नहीं है। वही, और सोफा कम बेड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि वो सोफा कम बेड लगता है, इसकी वजह से लोग थोड़ा खरीदते हुए हिचकिचाते हैं। इसके लिए हमने इसकी जो ब्यूटी बनाई है, एक तो सोफे जैसा बनाया, पूरा सोफा है, सिर्फ यहाँ से हमने इसका लुक दिया है चेंज। दूसरी बात, ये जो है हमने इसके पीछे सोफा कम बेड जो होता है सीधा आता है, ये हमने पीछे कार्विंग कर दिया है और ये पूरा कटवर्क है, पूरा हाथ से काट के इसको हमने पूरा लकड़ी को काटा है और हाथ से बनाया है। इसको बनाने में हमारा 45 टू 50 डेज जाता है एक सोफा बनाने में। ये तीन सोफों के बराबर है, पूरा जड़ है, पूरा वीडियो में बताऊँगा आपको। टाइम पास नहीं होएगा, अपने यहाँ काम की बात होगी, आपके फ़ायदे की बात होगी। ये जो आप कपड़ा देख रहे हो, ये भी अगेन हमने स्वेट लेदर किया है और ये बटन लगा है। सबसे पहले तो इसका हमने लुक पूरा चेंज कर दिया, पीछे से ये सोफा बना दिया है। अभी मैं आपको इसकी खासियत बताता हूँ, और इतना स्मूथ किया है, ऐसा लगेगा आपको जैसे चैनल लगाया। ये देखिए, ये इसकी खासियत है। अब ये इसको हमने, ये मल्टीपर्पज तीन चीजों में यूज होएगा आपका, सिर्फ सोफा नहीं है, सिर्फ बेड नहीं है, ये काउच भी है। अब ये आपका बन जाता है बेड, बेड बन और बेड का स्टैंडर्ड साइज है जी, बताइए साइज ही पूछ रही थी। 6x6.5 फीट इसका हमने साइज रखा है, जो इशू ही नहीं है। आप दिन में इसको ऐसे जैसा सोफा था और ऐसा रात में इसको बेड बना दीजिए। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि आप ऐसा भी सोएंगे ना, ऐसे भी सो सकते हैं और ऐसे है पूरा, मतलब मेरे से भी बड़ा आदमी आराम से आ जाता है। ये देखिए, सो उभा आडवा आपण दोघं साईडने झोपू शकतो, इतकी मोठी त्याची साईज आहे। सो ही खूप महत्त्वाची गोष्ट आहे, बिकॉज सोफा कम बेडमध्ये कधी कधी काय होतं ना की साईज खूप कमी दिली जाते। हां जी, आपने बात, क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है कि वो उतना ओपनली ओपन नहीं होता है वुड को। हमने देखो कितना स्मूथली है, और एक इसमें और चीज जो डाला है एडिशनल, क्योंकि आजकल आप 3 BHK में ले लो, 4 BHK ले लो, रॉ हाउसेस ले लो, बंगलो ले लो, फिर भी जगह छोटा पड़ जाता है, सामान इतना है। तो हमने इसमें जगह भी आपका, मतलब स्पेस सेविंग है, प्लस ये गादी हटाओ और यहाँ से इसको स्टोरेज बॉक्स, ओ माय गॉड, ह्याच्यामध्ये स्टोरेज बॉक्स सुद्धा आहे। बाप रे, आणि इतका मोठा स्टोरेज दिलेला आहे, पूरा पूरा का पूरा साइज का है। ये सीक्रेट स्टोरेज डाला है हमने, जिसकी वजह से आप ये देखिए। और इसको भी वापस लिया ऐसा,
और सो एकदम स्मूथली चला ये ऐसे चला। अभी आपका बन गया सोफा। और ऐसा आप इसको सिंगल एज ए बेड की तरह सिंगल दीवान भी बना सकते हैं। यहाँ से 6 फीट चा माणूस आरामात ह्याच्यावर झोपू शकतो आराम से। आणि जर तुम्ही त्याची विड्थ बघाल तर ती पण खूप जास्त आहे, नॉर्मल सोफ्याच्या विड्थ पेक्षा याची विड्थ पण खूप जास्त आहे, म्हणजे स्पेस जी दिलेली आहे ती बऱ्यापैकी आहे, स्पेशियस आहे। आणि सर याची साइज नॉर्मली तुम्ही किती बाय किती आहे? ये जो है एडिशनल 6x6 रखा है, वैसे मैं आपको सजेस्ट करूंगा 6x5 भी आप ले सकते हो, ओके 6x4 भी ले सकते हैं। मार्केट में 6x4 आता है और वो उसको 6x5 में बेचते हैं। हमारा आप मेजर टेप लेकर आ जाना, माप लेना। अगर मैं आपको 6x6 बोल रहा हूँ तो 1 इंच भी फर्क नहीं आएगा, आधा इंच भी फर्क, अगर फर्क आया तो मैं फ्री दूंगा। तो सर ही सोफ्याची जी खालची डिजाइन आहे ती चिपकवलेली आहे का? नहीं 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 नहीं, हमारे यहाँ कोई चिपकवा काम नहीं हुआ। यही मैं बार बार हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ कि आप कहीं भी उल्टी सीधे जगह मत जाना। अपने व्यूवर्स को भी बोलिए जो आपकी वीडियो देखते हैं, जो सब्सक्राइबर है, ये सब खोद के किया हुआ है। ओके सर, कार्विंग का काम है? हथौड़ी है आपके पास? ये स्क्रू है, कार्विंग से काम है। हाँ, मैं आपको एक चीज करके बताऊंगा। हाँ, ये पूरा खोद के किया है, कहीं भी फेविकॉल नहीं है, कहीं भी कुछ नहीं है, लकड़ी को खोदा जाता है, इसलिए मैंने आपको बोला 60 डेज लगा। ये देखिए, इसको लेके ये सब ये खुदा हुआ नहीं है, ये आप ऐसे कर दीजिए पूरा। ये देखिए, ये इसकी ब्यूटी है। वीडियो पे आके बोल रहा हूँ, जो जालसाज फर्नीचर वाले हैं, जो लोग आपसे आपकी पॉकेट को खाली कर रहे हैं और उल्टा सीधा कुछ भी दे रहे हैं, एक बार यहाँ पर आ जाइए, कहीं और नहीं जाओगे, ये मेरा वादा है। आणि वरचं जे डिझाईन आहे सर, ह्याचं जे कलर एवढा शाइन करतो, ते कलर केलेला आहे की कसं आहे ह्याचं? आपण कलर का काम करते नहीं है, नेचुरल है, ब्यूटी है। लकड़ी जब सीजन करते हैं तो ऑटोमेटिक ये शाइन आता है। इसको कुछ भी हमने एडिशनल कुछ भी नहीं किया, मेकअप नहीं किया। मेकअप क्या होता है, आधा घंटे में उतर जाता है, रियल स्किन बाहर आता है ना। इसी तरह जब हम पेंट मारेंगे, चमक दमक जो बाहर से मार्केट में केमिकल आते हैं, उससे लकड़ी की लाइफ कम हो जाती है और वो बार बार आपको मेंटेनेंस आता है। इसलिए मैं बोलता हूँ ये फर्नीचर जीरो मेंटेनेंस है। जो लोग आपको एक करके देंगे वो फ्रॉड है। अगर आपको लकड़ी में भी चमक देने के लिए बाहर से केमिकल यूज़ किया जा रहा है तो फिर वो लकड़ी थोड़ी है, वो तो फिर लोखंड है। लकड़ी नेचुरल ओरिजिनल अगर सीजन है तो वो अपनी चमक छोड़ती है, जैसे ये छोड़ रहा है। आणि या सोफ्याला जी ही कलरफुल दोरी लावलेली आहे मध्येच, ती कशासाठी लावलेली आणि काय आहे ते नक्की? ये हमने एडिशनल ब्यूटी दिया है, एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट होता नहीं है। इस पे हमने ऑलरेडी कपड़े से इसे नेल से फिट किया है कपड़े को, लेकिन वो दिखे वो अच्छा नहीं लगता है। जब इतना खर्चा करके दे रहा हूँ आपको, अच्छा चीज़ बना के दे रहा हूँ, तो ये एडिशनल ब्यूटी, इसकी रिक्वायरमेंट होती नहीं। अगर आपको नहीं भी लगाना है तो भी लगा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा अच्छा नहीं दिखता है। कवर हो जाए तो ज़रा और ब्यूटी आ जाती है। इसके लिए हमने इसको खूबसूरती में 4 चांद और कपड़े की लाइफ भी इसकी डबल हो जाती है। आणि याचा फैब्रिक जो आहे सर ह्या सोफ्याचा, तो कुठला फैब्रिक आहे? हाँ, ये कपड़ा जो है फैब्रिक, इसमें स्वेट लेदर है, लेकिन हमारा ऐसा नहीं है कि जो कलर आप हमने आपको वीडियो पे बता दिया, मैं वापस बोलता हूँ कि वही देना है। आप कोई भी कलर लीजिए, मेरे पास पूरा कलर का फोल्डर है और लेटेस्ट कलर का, हर 3 महीने में हमारे पास लेटेस्ट कलर आता है, हम आपको वो दिखाएंगे। आप जो कलर उसमें चूज करेंगे वो आपको कलर दे देंगे। आपकी ये जो क्लाइंट्स हैं उन्होंने बनवाया है, ये कलर उन्होंने यूज़ किया उनके वॉल के हिसाब से, कलर के आपके कलर का वॉल कैसा है उसके हिसाब से अकॉर्डिंग हमारी टीम आपको बता देगी कि कौन सा कलर आपको लगाना चाहिए, तो फिर आप वो लगा सकते हो। इसमें पॉलिश का कलर भी चेंजेबल है, कपड़े का कलर भी चेंजेबल है, साइज़ भी छोटा बड़ा हो सकता है, थिकनेस भी गादी का छोटा बड़ा हो सकता है। यही इस फर्नीचर की ब्यूटी है। सर आणि याच्या सोफ्याची जी बॅक साईड आहे ती कशी आहे, ती जरा आम्हाला पण दाखवा ना। आपने पूरे आज पूरे जोश से आए हो, लेकिन आपका हक है और आपके हर एक सवाल का जवाब दूंगा। अगर मैंने जवाब नहीं दे पाया तो मुझे कोई हक नहीं है फर्नीचर का काम करने का। पीछे भी मैंने वो कपड़ा दिया है, आप पीछे भी यही कपड़ा यूज़ किया है जो आगे यूज़ किया है। आप इसको सेंटर में रख देना, कहीं भी रख देना, हॉल के कहीं भी रख देना, ब्यूटी वही देगा, क्योंकि इसका उल्टा सीधा हमने रखा ही नहीं। देखिए, वही कपड़ा है और पूरा कवर किया है, पीछे सपोर्ट भी दिया है मजबूती के लिए, वुड भी दिया है, उसके ऊपर हमने कपड़ा कवर कर दिया, जिससे ब्यूटी में वापस से 4 चांद लग गए। वंडरफुल, बहुत ही नायाब चीज़ आपने डेवलप की है सर। थैंक यू सो मच। और इसमें और आपको बता देता हूँ, क्योंकि वीडियो की लेंथ बड़ी हो जाएगी और बहुत इसमें मेरे पास बहुत अलग अलग वेरियस कलर और वेरियस मीन्स डिज़ाइन भी हैं, कलर तो कपड़े के हैं,
सोफा कम बेड में भी डिज़ाइन बहुत है, जो लोगों को ये नहीं चाहिए दूसरा डिज़ाइन चाहिए वो भी है, कट वर्क की जगह उनको बेस पूरा ब्रास वर्क में चाहिए वो भी मिल जाएगा, हाइट ज़्यादा है उनको छोटी हाइट में चाहिए तो भी मिल जाएगा, वो हमारे पास फुल डिज़ाइन है, वो आपको टीम जब आप कॉन्टेक्ट करेंगे दिया हुआ नंबर है तो आपको बताएंगे कि कौन सा लगाना है कैसा आपको साइज़ के हिसाब से और प्राइस के भी, आपका जो बजट है आप बताइए, हमारी टीम आपको बजट के हिसाब से भी आपको कस्टमाइजेशन करूंगी। तुमसे जो बजट सर आपके बारे में आज मैंने पूछा नहीं तो अभी आप मेरे व्यूअर्स के लिए बता दीजिए आपकी सारी इन्फॉर्मेशन। थैंक यू सो मच। वैसे हम लोग फर्नीचर इंडस्ट्री में 50 साल से हैं, दादाजी पिताजी में 15,000 मजदूरों को हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं हिंदुस्तान में, 12 यूनिट है हमारे ऑल ओवर इंडिया में, हम अपने देश के फर्नीचर को प्रमोट करते हैं, हमारा एक ही मिशन है कि हर घर में अपना देश का फर्नीचर आए, जब हमारा देश का फर्नीचर हर घर में जाएगा तो हमारा इकोनॉमी भी अच्छा होएगा, जो बाहर से फर्नीचर आता है उसका सारा पैसा बाहर जाता है, प्रॉफिट रखते हैं मालिक के, हमारे यहाँ जब हमारे यहाँ से आप कोई चीज़ खरीदते हो 100 रुपये की भी तो 100 रुपये में अगर 10% मेरा प्रॉफिट है 10 रुपये, 90 रुपये हमारे देश में घूमता है, तो हमारा यही मिशन है, 50 साल हमने इस काम को लगा दिए हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ 50 साल, 5 साल आजकल रिश्ते नहीं टिकते हैं, और हम 50 साल ये काम करें तो आप ये समझ सकते हो कि हम पैसे के लिए काम नहीं करें, हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, बाकी मेरे बारे में देखना है तो फर्नीचर गुरु मेरे चैनल है यूट्यूब पे, अपना पर्सनल उधर जाइए, मेरे इंस्टाग्राम पे अनस हैंडीक्राफ्ट जाइए, फेसबुक पे जाइए, आप सब जगह देख सकते हो, हम सिर्फ डिजिटल नहीं है, हिंदुस्तान का सबसे पुराना स्टोर है जहाँ पर फिज़िकल आप आके देख सकते हो, टच एंड फील कर सकते हो, डिसाइड खरीदना मैं बार बार बोल रहा हूँ, बेचने के लिए नहीं आया हूँ, आप आए हो हाथ जोड़ के बोलता हूँ इसलिए आपके लिए बता रहा हूँ, बेचने के लिए वो बात की बात है, बेच तो रहे हैं 50 साल से, आपका मेहनत का पैसा है, आप पूरा जज करिए, आप अपने घर में लेकर आ रहे हो, एक ये मेंबर है, मेंबर को जब हम घर पे लेकर आते हैं क्योंकि ये 24 घंटे आपके इमोशंस में फीलिंग्स में, आप खुश हैं आप दुखी हैं, फर्नीचर कहीं नहीं जाने वाला आपको छोड़ के, आप जब तक उसको बाहर नहीं निकालेंगे ये बाहर जाने वाला नहीं है, तो थोड़ा सा थिंक, थोड़ा सोचिए, सोच समझ के लीजिए, वापस बोलता हूँ हाथ जोड़ के, सोच समझ के लीजिए और ऐसा फर्नीचर लीजिए, मेरे से लीजिए कहीं से भी लीजिए, जो आपका घर को 4 चांद लगा दे, आपके घर की ब्यूटी को और आपकी इज्जत को बढ़ा दे। थैंक यू सर आम्हाला तुमचा वेळ दिल्याबद्दल आणि परत आम्ही येऊ असेच नवीन नवीन व्हिडिओ घेऊन तुमच्यासाठी। सो मला कमेंटमध्ये नक्की सांगा की तुम्हाला नेक्स्ट व्हिडिओ कुठल्या पर्टिक्युलर याचा बघायला आवडेल की फर्निचरचा, त्याच्यामध्ये आपण बरेच असे हँडीक्राफ्टचे पण बरेच युनिक असे आयटम्स आहेत सरांकडे, सो नेक्स्ट टाइम स्टे ट्यून आणि धन्यवाद तुम्ही एवढा मूल्यवान वेळ दिल्याबद्दल। थँक्यू सो मच मेरे इनके व्ह्यूअर्स और इनके सब्सक्राइबर जो इनको इतना पसंद करते हैं और जो व्हिडिओ देख रहे हैं, थँक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त दिया व्हिडिओ देखने के लिए, बाकी इनको सपोर्ट करिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे मराठी मुलगी है और बेस्ट लड़की है, बहुत बहुत ही मेहनत से काम करती हैं, थैंक यू सो मच, और इसलिए मैं मना नहीं करता हूँ, हमारे पास दिन में 100 बार आते हैं यूट्यूबर के कॉल्स आते हैं हमारी भी, हम आपके प्रोडक्ट की वीडियो बनाते हैं, टाइम नहीं मैच होता है, लेकिन आपको मैं कभी मना नहीं करता हूँ और कोशिश करूँगा आगे भी कभी मना ना करूँ। जय हिंद जय महाराष्ट्र। यस थैंक यू।